खबर यूपी के जनपद मुरादाबाद से, जहां शराबी साले की संपत्ति को लेकर बहनोई ने अपने ही साले की हत्या अपने साथियों के साथ मिलकर की थी। घटना थाना सोनकपुर क्षेत्र के अंतर्गत हुई थी, जिसका आज पुलिस ने किया खुलासा। आपको बता दें कि बीते 19 सितंबर को आनंद कुमार उर्फ गुड्डू पुत्र हर्षरूप निवासी मिलिक भारथल थाना नखासा जनपद संबल की छुरी से गर्दन रेतकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में मृतक के बहनोई जसपाल सिंह पुत्र शंकर सिंह निवासी ग्राम ततारपुर संदल थाना नखासा जनपद संबल ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। सोनकपुर थाना पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए चार आरोपी सुदेश उर्फ नन्हे पुत्र कुमारपाल उर्फ लल्ला निवासी ग्राम बैठला थाना हजरत नगर गड़ी जनपद संभल गुलाम मोहम्मद पुत्र मल्लू हुसैन निवासी ग्राम भेटला थाना हजरत नगर गड़ी जनपद संभल अवरार पुत्र अनवार निवासी ग्राम भेटला थाना हजरत नगर गड़ी जनपद संभल और मित्रपाल पुत्र अंतराम निवासी ग्राम खरखरौदा थाना डिडौली जनपद अमरोहा को गिरफ्तार कर हत्याकांड से पर्दा उठा दिया है। आरोपी मित्रपाल मृतक आनंद उर्फ गुड्डू का सगा बहनोई है, जो घटना का मुख्य षड्यंत्रकारी है। पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस को बताया कि मृतक आनंद उर्फ गुड्डू की तीन शादियां हुई थी और तीनों ही छूट गईं। मृतक आनंद उर्फ गुड्डू शराब पीने का आदि था और मृतक आनंद का कोई सगा भाई नहीं था तथा मृतक आनंद की वृद्ध माता व तीन सगी बहने हैं। तीनों बहने शादीशुदा हैं। मृतक गुड्डू जो इकलौता भाई था, उसके पास करीब 9 बीघा जमीन थी, जिसमें मृतक आनंद उपरोक्त के द्वारा 3 बीघा जमीन पूर्व में बेची जा चुकी थी तथा अन्य बची करीब 6 बीघा जमीन का सौदा अपने गांव के पूर्व प्रधान रामशरण को करीब 14 लाख रुपए बीघा के हिसाब से बेचने के तय हुआ था, जिसमें बतौर बयाना करीब 1.5 लाख रुपया मृतक गुड्डू ने प्राप्त किया था तथा 2 माह का रजिस्ट्री कराने का समय तय हुआ था। मृतक के सगे बहनोई मित्रपाल के द्वारा जमीन बेचने का विरोध किया गया, लेकिन मृतक आनंद उर्फ गुड्डू ने अपने बहनोई मित्रपाल की बात नहीं मानी और इसी बात को लेकर मृतक आनंद उर्फ गुड्डू के बहनोई मित्रपाल ने अपने साथियों सुदेश उर्फ नन्हे गुलाम मोहम्मद और अवरार के साथ मिलकर अपने साले आनंद उर्फ गुड्डू की हत्या कर दी थी। आरोपी मित्रपाल जानता था कि आनंद उर्फ गुड्डू जब नहीं रहेगा तो उसकी संपत्ति में उसे भी हिस्सा मिल जाएगा। यही कारण था कि मित्रपाल ने अपने साले आनंद उर्फ गुड्डू की हत्या कराई। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट अभय केसरी। देखिए, आज थाना सोनकपुर से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक सुदेश उर्फ नन्हे, ये ग्राम बैठला थाना हजरत नगर गढ़ी के रहने वाले हैं। दूसरे गुलाम मोहम्मद हैं, ये भी ग्राम बैठला के रहने वाले हैं। तीसरे हैं अबरार, ये ग्राम बैठला थाना हजरत नगर गढ़ी संभल जनपद के रहने वाले हैं। और एक इनके साथ में मित्रपाल पुत्र अंतराम, ये ग्राम खरखोदा थाना डिडोली के रहने वाले हैं अमरोहा के। 19 तारीख को एक घटना हुई थी, जिसमें एक आनंद नाम के जो व्यक्ति, आनंद और गुड्डू नाम के व्यक्ति की थाना सोनकपुर में हत्या कर दी गई थी। और हत्या के बाद में उनकी जो डेड बॉडी है उसको गन्ने के खेत में डाल दिया गया था। इसी पे मेरे द्वारा और समस्त हमारे अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया गया और ये देखा गया कि ये घटना पूरी प्लानिंग के साथ में की गई है और कोई ना कोई इसके पीछे कोई मोटिव इनका रहा है। इसी पे हम लोगों ने काम किया और हमारे SPR साहब, क्षेत्राधिकारी बिलारी और थाने की टीम में, SOG की टीम ने इसमें काम किया और ये जानकारी मिली कि जो आनंद है ये घर में अकेला भाई है, 3 इनकी बहनें हैं और इसके अलावा इनकी पहले 3 शादियां हुई थी, लेकिन वो पत्नियां छोड़ के चले गई थी। इनके पास में करीब 9 बीघा जमीन थी, जिसमें से 3 बीघा जमीन ये पहले बेच चुके थे और 6 बीघा जमीन बची हुई थी, जिसका कि इनके द्वारा गाँव के एक व्यक्ति को बेचने का सौदा किया गया था करीब 14 लाख रुपया बीघा के हिसाब से, और उसमें करीब इनको 1.5 करोड़ के आसपास में रुपया इनको मिलना था। और उसी पैसे को लेकर इनके जो सगे बहनोई हैं मित्रपाल, उनकी ये निगाह थी कि इनके जो और जो 2 बहनोई हैं उनको ये पैसा मिल जाएगा और मुझे ये नहीं मिलेगा। तो ये पूर्व में भी इन्होंने ये प्रयास किया था और एक अबरार नाम के व्यक्ति को, जिसने कि जो मृतक है उससे 4.5 लाख रुपया उधार भी ले रखा था, तो उसको इन्होंने सेट किया पहले और उनको करीब 40,000 रुपये में इनकी सुपारी दी गई थी करीब साल भर पहले, और उस दौरान उसने भी इसको मारने का प्रयास किया और लेकिन ये उस समय बच गया था। उसके बाद में दोबारा जब ये जमीन का सौदा हो गया तो मित्रपाल ने पुनः इसमें सुदेश उर्फ नन्हे और जो गुलाम मोहम्मद है, इन दोनों लोगों को 80,000 रुपये में इसको मारने के लिए सुपारी दी थी और उसके एवज में इनको 20,000 रुपये नकद भी इनके द्वारा दिया गया था। और 19 तारीख को ये पहले से आपस में एक दूसरे से परिचित थे, मृतक से जानते थे, तो मृतक को ये शराब पिलाने के बहाने पहले ठेके से इन्होंने शराब लिया और उसके बाद में गन्ने के खेत में ट्यूबवेल के पास में जाके इन्होंने शराब पिया थोड़ी देर
और उसी दौरान फिर इन्होंने चाकू से उसका गला रेत दिया और उसके बाद में उसकी जो डेड बॉडी है उसको वहीं पास में गन्ने के खेत में छुपा दिया और उसकी मोटरसाइकिल को वहीं छोड़ दिया। इसके अलावा उसके पास में एक मोबाइल था जिसको ले जाके इन्होंने जला दिया, जिसको भी उसका जली हुई अवस्था में उसको रिकवर किया गया है। आज इनके पास से एक 315 वर का तमंचा और एक जिंदा कारतूस, एक जो आला कतल छुरी और जला हुआ मोबाइल और दो मोटरसाइकिल, जिसमें एक मृतक की और दूसरी जो इन लोगों के द्वारा घटनास्थल पर जाया गया था, जिस घटना के दौरान जिस मोटरसाइकिल को यूज किया था वो इनसे बरामद हुई है। और ये जानकारी मिली है कि इन्होंने इसको काफ़ी प्लान तरीके से इस घटना को अंजाम दिया था और सिर्फ पैसे के लालच में सगे बहनोई के द्वारा इस घटना को मतलब कराया गया था। तो इसमें दो लोगों को 302 IPC के तहत इनको जेल भेजा जा रहा है। इसके अलावा जो बाकी जो दो लोग हैं उसको 120B और 302 के तहत इनको मुकदमा पंजीकृत करके और इन लोगों को आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। बाकी भी इसमें जाँच की जा रही है कि कोई इस तरह का कोई और व्यक्ति तो नहीं है जो कि इसमें इन्वॉल्व है, उसकी हम लोग जाँच कर रहे हैं। यदि कोई इस तरह के तथ्य प्रकाश में आएंगे तो उसके आधार पर इनकी कार्रवाई इसमें आगे की जाएगी और इसमें शीघ्र चार्जशीट सबमिट करते हुए इन लोगों को सजा दिलाने का भी इसमें काम किया जाएगा।